गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले मॉड्यूल में हमने इस पाठ का वाचन किया, यानी कि चिड़िया और हाथी। इस कहानी को पढ़कर हमने क्या सीखा कि छोटे या बड़े सभी प्राणी एक समान है। हर एक चीज का अपना महत्व होता है। जैसे कि हमें कोई काम जो हम सुई से कर सकते हैं, उसके लिए हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है। तलवार अपने जगह अपना काम करती है, सुई अपनी जगह अपना काम कर सकती है। तो हर एक चीज की अपनी एक अहमियत होती है। तो इसी से संबंधित है कि कभी भी किसी को अपने बड़े होने पर या अमीर होने पर, गरीब होने पर, छोटा होने पर या बड़ा होने पर ना तो अफसोस होना चाहिए और ना ही गर्व या घमंड होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अपना सब इंसान को किसी न किसी महत्व या विशेषता के साथ बनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पाठ में आने वाले नए शब्दों की। तो जब आप पाठ का वाचन करेंगे तो उन शब्दों को रेखांकित कर लेंगे और वो सारे नए शब्द आप अपनी नोटबुक में यानी कि अभ्यास पुस्तिका में भी सबसे पहले नए शब्द ही लिखेंगे। शब्दों के अर्थ हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम पहले नए शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपने हेडिंग में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देंगे, ऊपर चैप्टर यानी कि पार्ट का नंबर, पार्ट दो चिड़िया और हाथी, रोमन नंबर वन। मैं रोमन नंबर लगवाती हूँ ताकि हमारे जो सीक्वेंस में अभ्यास हम करते जाएं, पहला हम नए शब्द करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर करते हैं, फिर भाषा संबंधी अभ्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अभ्यास हमारा होगा नए शब्द। तो पाठ में आने वाले नए शब्द आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। कौन कौन से शब्द है? जंगल, जंगल पे ये जो बिंदी लगी है, जो अम की बिंदी जिसे आप कहते हैं, ये क्या कहलाती है? अनुस्वार। तो पहला शब्द हुआ जंगल। घोंसला, यहाँ पर जो बिंदी लगी है आपको दिखाई दे रही है अनुस्वार है, लेकिन ये अनुनासिक है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, क्योंकि ऊपर मात्रा है इस कारण यह हमें सिर्फ आधी दिखाई देती है और इसे हम अनुनासिक के समान अनुस्वर समझते, जबकि ये चंद्र बिंदु होती है। घोंसला। नन्ही, नन्ही यानी छोटी सी, चिड़िया के लिए कहा गया नन्ही, यहाँ पर बिंदी है। टहनिया, टहनिया के ऊपर ये बहुवचन रूप है। अगर आपसे कहा जाए टहनी तो उसका प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन क्या होगा? टहनिया। तो ये टहनिया है और ऊपर लगा है चंद्र बिंदु, अनुनासिक। तो ये मैं अनुनासिक अनुस्वर इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आगे के क्लास में, आगे के मॉड्यूल्स में हम अनुस्वर और अनुनासिक यानी अम की बिंदी और अनु चंद्र बिंदु के प्रयोग को भी सीखेंगे। नन्ही। फिर है डालियां, डालियां यानी डाली और उसका बहुवचन डालियां, शाखाएं। दोस्ती, मित्रता। मिट्टी, यहाँ पर ट के नीचे ये जो लाइन खींची है छोटी सी, आप देख सकते हैं ये कहलाती है हलंत। कुछ शब्दों को हम आधा नहीं लिख सकते, जैसे आपको लिखना होता क्यारी तो आप का को आधा लिख देते हो, वाक्य तो का को आधा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ट होता है, ट ऐसा वर्ण है वर्णमाला का जिसे आप आधा नहीं लिख सकते हो, तो उसे आधा बनाने के लिए उसके नीचे इस प्रकार की रेखा खींची जाती है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? मिट्टी। कंकड़, कंकड़ अनुस्वर लगा हुआ है और ड है बिंदी। आंधी, आंधी ना का अनुनासिक ध्वनि है आंधी। फिर है मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी आप देखोगे आधे का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर का के नीचे कोई रेखा नहीं है, क्यों? क्योंकि का को हम आधा लिख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद किसी का धन्यवाद यानी कि थैंक यू करना, उसका शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद। तो इस प्रकार ये 12 शब्द हैं और पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब एक समान हैं। तो आपको क्या करना है, ये 12 नंबर तक के जो भी सारे शब्द दिए हैं अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। रहे प्रश्नोत्तर, उनका अभ्यास हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पाठ का वाचन अभ्यास जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।